नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसका क्रियान्वयन बहुत जल्दी शुरू हो रहा है और दिल्ली में रहने वाले लाखों अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को न्याय देने का काम हमारे माध्यम से हो रहा है। क्रियान्वयन बहुत जल्दी शुरू हो रहा है और दिल्ली में रहने वाले लाखों अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को न्याय देने का काम हमारे माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर हमारे असंगठित मजदूर मोर्चा के आनंद साहू जी के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसमें शरीक हुए हैं। हम सबका धन्यवाद करते हैं। आज दिवाली के दिन में आती है जोक है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं। अच्छा, ईवीएम में इतनी ताकत भी है कि इनकी सब बर्दाश्त भी कर लेता है बेचारा ईवीएम। जब हार जाते हैं तो उसको गाली देते हैं और जीत जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं। पंजाब में और केरल में और कई जगह पे जीत गए तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, और दिल्ली में भी जीत गए तब कुछ नहीं बोला। हार जाते हैं तो बोलते हैं इसमें जो है टेम्परिंग हो गया है। अरे भाई, कम से कम ईवीएम को तो बख्श दो, बेचारा निर्जीव व्यक्ति को उसको क्यों मार रहे हो इतना। सर, दीपावली के मौके पर देश की जनता को क्या संदेश है? दीपावली के मौके पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सेवा भाव है उसी भाव के साथ एक संदेश देना चाहूँगा कि आज के दिन सब लोग घर में पकवान बनाइए और सब मिल के आस पड़ोस सभी जाति धर्म मिल के और सब बांट करके और दिवाली मनाइए। और उसी तरह जो पटाखे जो हैं वो ग्रीन पटाखे वगैरह जलाएं ताकि पॉल्यूशन फ्री वो देश बने और भारत को आगे ले जाने के लिए सब लोग जो है एकजुट होकर के एकदम खुशी मनाएं ताकि जो है दुनिया की कोई ताकत भारत को कमज़ोर नहीं कर सके। क्योंकि आप देखें भारत का इतिहास जिस तरह से है, जाति धर्म पंथ क्षेत्रवाद अलगाववाद ये सब में बांट करके हमें कमज़ोर करने का षड्यंत्र होता है। आज के दिन भगवान राम जी को भी याद करना चाहिए जिन्होंने अधर्म को धर्म के आधार पर, असत्य को सत्य के आधार पर जीत करके और दीपावली का जो अवसर शुरू हुआ उसको सदियों से हम लोग मना रहे हैं और इसमें हर प्रकार के सभी धर्म जाति पंथ सब मिल करके प्यार से एक साथ दीपावली मनाना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो विश्वगुरु बनाने का जो संकल्प है वो भी यहीं से हो रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यहीं से अपने झाड़ू लेकर के स्वच्छता की गंगा बहाई, वही स्थल है। हम लोग यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। आज से निश्चित रूप से दिल्ली की जो नाना प्रकार की जो गंदगी है वो सब साफ होगी और जो लोग बीमार हैं, खास करके जो सरकार जो बीमार है वो भी, उनका भी दिमाग ठीक होगा, उनके सोच भी सही हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करके हम लोग जो है सेवा भाव से आए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बार ही बोल दिया था कि हम ये अनधिकृत कॉलोनियों को, जो अनऑथराइज कॉलोनियों को, हम लोग इसको रेगुलर करेंगे और मोदी है तो मुमकिन है जी। आज मोदी जी ने करके दिखाया। और ये जो है लोग जो अफवाह फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को ठगते हैं, ये काम मोदी का नहीं है जी। मोदी जी ने तो देखो अपनी जीवन लगा रखा है और ना उनका, उन लोग कहते हैं कि मेरा परिवार तो 130 करोड़ जनता है, उनको जब तक हम खुशी नहीं देंगे हमको खुशी नहीं मिलेगी। तो आज जो अनधिकृत कॉलोनियों में जो खुशी दिया है, आज इतने सारे कॉलोनी वालों को मालिकाना हक दिया है, उसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। और ये इतिहास है जी। आज आप देखो कितनी सरकार आई 25 साल में, उसमें कितने प्रकार के प्रलोभन दिए गए जब जब चुनाव आए, हम तो चुनाव से पहले ही कर दिए। और अब जो है जनता की आंखें खुल गई है, अब ये जो है ठग लोगों के बीच में ये और चलने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस के भी झांसे में नहीं आएगी जनता, क्योंकि कांग्रेस जो है उन्होंने भी 20 साल शासन किया, अब ये इनका भी इन्होंने 6 साल कर लिया, अब ये इनका जो है समाप्त हो गया समय। आने वाला टाइम हमको शपथ लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एकदम किसी भी कीमत में दिल्ली को उनके झोली में डालना चाहिए, ताकि दिल्ली का जो विकास रुका हुआ है, यहाँ के हर घर में युवाओं को रोज़गार मिले। आज उसके लिए भी आज पूरे देश से लोग आते हैं दिल्ली में रोज़गार के लिए,
और यहाँ जो है रोज़गार नहीं मिलता है तो हताश हो जाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है सिर्फ रोज़गार ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर का भी विषय देख लो, जिस प्रकार से भारत की जो सम्मान धारा 370 हटा के किया, वहाँ पर जो हमारे जो वाल्मीकि समाज है जिनको उपेक्षित रखा गया था, शोषण करते थे, ना आरक्षण, ना कोई वेतन आयोग लागू करते थे, ना नौकरियों में, ना कहीं पर, सब चीज़ उन्होंने कर दिया, ऊपर से कोई अन्याय नहीं हो कर नहीं हो ऐसा करके एक ट्राइबल को एलजी बनाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नाउ अनाउंस्ड श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। आप सोचिए जो एक ट्राइबल को वहाँ दिया गया है, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है। हमारे जो कर्मचारी हैं, कामगार हैं, उनके साथ जो अन्याय करेगा उसको कभी न्याय नहीं मिलेगा। तो बधाई देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की जनता और हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ अपने जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जो डब्बा है उसको इंजन के साथ, मेन जो डेवलपमेंट का इंजन है जिसको प्रधानमंत्री जी ले के जा रहे हैं, उसके साथ जोड़ दिया है। और इसके लिए वहाँ की जो वोटर हैं, वहाँ की जो जनता है, उनको हम शुक्रगुजार अदा करेंगे और उनको बधाई देंगे। दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और विजय की भी, जो जीत, जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उसकी भी बधाई देना चाहेंगे।